राजस्थान की यात्रा, तीर्थ स्पर्श की यात्रा, आज पहुंचे सेवाड़ी। बहुत प्राचीन समृद्धशाली शहर। कहते हैं राजस्थान के दो शहर इतिहास में अब जाए तो ये दो शहर सबसे प्राचीन शहर हो सकते हैं, ऐसी संभावना दिखाते हैं। एक ये सेवाड़ी और दूसरा सांडेरा। सेवाड़ी की खासियत, एक यहाँ का शिखर, यहाँ का जो शिखर है वो यूनिक शिखर है। एक अलग ही शेप, एक अलग ही डिज़ाइन किया हुआ यह शिखर है। यहाँ की एक खास विशेषता, यहाँ का शिखर आप देखने जरूर आ सकते हो। इतिहास के पन्नों में जब हम जाते हैं और सेवाड़ी के बारे में जाने की कोशिश करते हैं तो ये कितना समृद्धशाली था कि यहाँ 100 वावड़ियाँ थी। हम कल्पना कर सकते हैं उस समय की यहाँ की स्थिति कैसी होगी, यहाँ का वातावरण, यहाँ की आबादी कितनी ज़बरदस्त होगी कि जहाँ 100-100 वावड़ियाँ होनी जरूरी थी। 52 जिनालय युक्त मंदिर आज समय की धूल इतनी असर कर चुकी है इस पर कि ये मंदिर धीरे 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 जमीन के अंदर नीचे घस चुका है। आप यहाँ होगे तो आपको, आप जमीन के अंदर हो, रेगुलर जो जमीन है उससे बहुत नीचे ये मंदिर जा चुका है। मतलब कितना प्राचीन मंदिर है, इसकी प्राचीनता का ये सूचक करवाता है। सेवाड़ी प्राचीन ग्रंथों एवं शिलालेखों के अनुसार प्राचीन नाम इस गांव का समीपाटी, श्वेतपाटी आदि नाम आते हैं। आचार्य यशोभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने सेवाड़ी और सांडेरा दोनों जगह की प्रतिष्ठा एक ही समय में अपने दो अलग रूप बनाकर की थी। निगाह रखे निर्मल कीजिए धनवंतरी भगवान, आई बसो भगवान मेरे मन, आई बसो भगवान। यहाँ के मूल नायक भगवान शांतिनाथ दादा बहुत ही प्यारे। शास्त्रों में परमात्मा के अनुपम रूप सौंदर्य का वर्णन आता है, तब ये विचार आता है कि सच में प्रभु कैसे होंगे। और जब यहाँ के भगवान को देखा तो एहसास हुआ कि प्रभु ऐसे होंगे। अद्भुत रूप है यहाँ के शांतिनाथ प्रभु का। पूर्व के मूल नायक भगवान महावीर देव आज रंग मंडप के बाई और विराजित हैं। प्रभु के आंखों से करुणा रस का झरना सतत बह रहा हो और उस झरने से बहता हुआ करुणा रस हमारी आत्मा को पावन कर रहा हो, निर्मल कर रहा हो, ऐसा एहसास होता है। मंदिर के पीछे वस्त्र और अलंकार सहित प्रभु महावीर देव की एक दुर्लभ प्रतिमा है। प्रभु के राज्य अवस्था का वैभव इस प्रतिमा में नजर आता है। इस तीर्थ में पाषाण और धातु की 84 प्रतिमा है जो लगभग सभी बहुत प्राचीन है। पूरे जिनालों में इन प्रतिमाओं का पवित्र ऊर्जा का स्पंदन बहुत गहराई से अनुभव होता है। जिनाले में प्रवेश करते ही दोनों ओर सरस्वती माता की विशेष प्रभावशाली खड़ी प्रतिमा विराजित है। दुनिया में और कई इस तरह की प्रतिमाओं के दर्शन दुर्लभ है। अनेक महात्मा यहाँ आकर सरस्वती माता की विशेष ध्यान साधना और आराधना करते हैं। संडेर गज के यशोभद्र सुरसूजी महाराज साहब के शिष्य आचार्य श्री गुणरत्न सुरजी की कलात्मक एवं अद्वितीय प्रतिमा यहाँ विराजमान है। यहाँ माणिभद्र देव और सुराना गोत्र की सुस्वानी माता की 11वीं शताब्दी की प्रतिमा भी विराजमान है। आइए इस प्राचीन तीर्थ की ऊर्जा की अनुभूति करने के लिए। तीर्थ स्पर्श के माध्यम से कई तीर्थों की यात्रा के दौरान हमें एक चीज़ ज़्यादा नज़र आई, खास चीज़ जो मुझे आपको बताने जैसी लग रही है कि अनुष्ठान का विषय बना ये इन तीर्थों को। ये तीर्थ हमारा अनुष्ठान का विषय या तो पालीतना, संकेश्वर, यहाँ जो बड़े तीर्थों के सिवा हम यहाँ अनुष्ठान का विषय बनाए। उपधान, अगर उपधान करवाना हो किसी को तो यहाँ उपधान करवाइए, आपको ओली करवानी है तो यहाँ ओली करवाइए, लेकिन आप अपने अनुष्ठान जो हम पालीतना तक सीमित रख चुके हैं वो अनुष्ठान आप यहाँ करवाइए। तो ये तीर्थ और जहाँ ज्वलाली, इनकी प्राचीनता और यहाँ लोगों का आवागमन बढ़ेगा। अगर लोगों का आवागमन बढ़ेगा तो तीर्थ जीवंत हो उठेंगे।